जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस विद योर फैमिली. सब्जेक्ट इज फिजिकल एजुकेशन, क्लास 12th, एंड आवर पर्टिकुलर टॉपिक नेम इज इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम्स. आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली हमारे मस्कुलर सिस्टम्स पे एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है. देखिए, ओवरऑल तो वी ऑल नो कि एक्सरसाइज आर वेरी गुड एंड वेरी एसेंशियल फॉर आवर फिटनेस, फॉर आवर गुड हेल्थ. बट स्पेशली आज हम देखते हैं कि मसल्स पे कितना इफेक्ट डालती हैं, उसके बारे में हम आज जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गेन इन मस्कुलर स्ट्रेंथ. जो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होता है, गेन होता है. देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ को जानते हैं. अब स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस. यही तो है स्ट्रेंथ, कि मसल्स की ये वो एबिलिटी है जो रेसिस्टेंस पे ओवरकम होती है. ठीक है. सो एक्चुअली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं वहाँ, हम एक्सरसाइज में यही करते हैं कि अपनी मसल्स को बेसिकली एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करते हैं. भाई जैसे पुशअप्स मारते हैं तो वहाँ भी हम जो मसल्स की एबिलिटी को ओवरकम कर रहे हैं अगेंस्ट द रेसिस्टेंस, या पुलअप्स मार रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा कर रहे हैं, या हम जिम में जा रहे हैं तो वेट डंबलिंग कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं. सो देयर ऑल्सो लाइक व्हाट वी आर डूइंग, हम अपनी मसल्स की एबिलिटी को ओवरकम कर रहे हैं रेसिस्टेंस की. सो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो अनडाउटली मसल की जो स्ट्रेंथ है उसमें गेन होता है, इजाफा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट. अब देखिए, मसल्स की इफिशियंसी भी एक्सरसाइज से देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स में जो कैपिलरीज होती हैं वो इंक्रीज होती है. सो कैपिलरीज का रोल, बेसिक रोल क्या है, यहाँ पे अगर हम कैपिलरीज की पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो हम टॉपिक से दूर चले जाएंगे. लेकिन बेसिक रोल कैपिलरीज का यही है कि वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. जैसे लंग्स में जो कैपिलरीज होती हैं या अपनी मसल्स में जो कैपिलरीज होती हैं उसमें गैस का एक्सचेंज होता है. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है और ऑक्सीजन इज फ्यूजन विद ब्लड. सो जब कैपिलरीज इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ कैलरीज होंगी, तो डेफिनेटली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो फास्ट होगा. देन वी कैन से द इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट. जब फास्ट होगा तो बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, है ना. सो डेफिनेटली मसल्स की जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज होती है. ठीक है. नेक्स्ट है लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीजेस. देखिए, लैक्टेट जो एसिड है उसका रोल क्या है मसल में या बॉडी में, कि इट लाइक डेवलप्स फटीग, टायर्डनेस. जैसे ही लैक्टेट एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो एक थकावट हमें फील होती है. सो इफ़ वी आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, जो लैक्टेट टॉलरेंस की कैपेसिटी है मसल्स की वो इंक्रीज हो जाती है. मसल्स बिकम सैचुरेटेड जस्ट टू टॉलरेट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ लैक्टेट एसिड इन द बॉडी. दैट मीन्स लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीजेज एंड व्हाट विल हैपन एज ए रिजल्ट, कि बॉडी डजेंट गेट टायर्ड इजीली, और लाइक जो फटीग या टायर्डनेस टाइम है दैट इंक्रीजेज. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हेयर. सो कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ़ यू आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज द लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीजेज, एंड इफ इट इज इंक्रीजेज दैट मीन्स कि हमारा जो फटीग या जो टायर्डनेस जो टाइम है वो डिले हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉपर सेल्स ऑफ बॉडी. बहुत अच्छा पॉइंट है और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली
तो एक सेप बनता है बॉडी का, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है विच इज़ नॉट सपोज टू बी और विच इज़ लाइक स्पॉइल आवर अपियरेंस, दैट स्लोली स्लोली दैट डिसअपियर्स, वो निकल जाता है एंड बॉडी टेक्स अ प्रॉपर सेप, जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर फिजीक, एंड यू नो वेरी सिंपली अ गाय हु इज डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, जब वो निकलता है तो इट लुक्स, लगता है कि यस ही इज डूइंग समथिंग, ही इज डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे बाय लुकिंग हिज और हर अपियरेंस एंड इवन बाय द वे ही इज वॉकिंग, रनिंग, स्टैंडिंग, द वे ही इज डूइंग वर्क एंड लाइक द कंप्लीट एक लुक और जो कंप्लीट पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट होता है उसमें, लुक जो कंप्लीट फिजिक है उसमें एक पॉजिटिवनेस आती है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सेफ ऑफ बॉडी एंड दैट इज द रीजन आई थिंक ये जो जो पॉइंट है प्रॉपर सेफ ऑफ बॉडी, यही है लोगों को जो ज़्यादा मोटिवेट करता है, लोग लाइक दे आर मोटिवेटिंग टू डू द फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। और आजकल कहीं ना कहीं सेफ बनाने के लिए लोग यूथ जो है लाइक दे आर ज्वाइनिंग जिम्स एंड ऑल दैट, सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर आई विल से। एंड डेफिनेटली लाइक जब हमारा अपीयरेंस और फिजिक ठीक होता है तो वी गेट एडवांटेज इन आवर लाइफ। नेक्स्ट, फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। देखिए जो ट्रेंड मसल्स हैं उनमें जो रिकवरी होती है वो फास्ट होती है। अब ट्रेंड मसल क्या होती हैं? ट्रेंड मसल वही होती हैं जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल ट्रेंड हो जाती है। कई बार हम बोलते हैं ना कि मसल मेमोरी, कई बार ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हैं बट वट एवर द सर्कमस्टांसेस, कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम 10 दिन, 20 दिन या कई बार 2 टू 3 4 मंथ्स हम टाइम नहीं बचा पाते एक्सरसाइज करने के लिए, बट आफ्टर 2 मंथ्स या वट एवर आफ्टर 1 मंथ्स जब हम करते हैं तो बिकॉज द मसल्स हैज ए मेमोरी, सो मसल बहुत क्विकली इन लेस टाइम में वापस अपनी शेप ले लेती है। ओके, दैट इज वाई इट इज हैपन, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मसल मेमोरी। तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं इट्स रिलेटेड टू दैट कि फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। सो जो ट्रेंड मसल्स हैं उनमें अगर इंजरी होती है तो कंपेयरिंग टू द अनट्रेंड मसल्स जो रिकवरी होती है फास्ट होती है। एंड मोर ओवर हम ये भी जानते हैं कि जब हमारी मसल्स एक्टिव रहेंगी, उसमें स्ट्रेंथ रहेगा, वो ट्रेंड होंगी, तो सबसे पहले तो बात है ये होगी कि द चांसेस ऑफ इंजरीज आर लेस इन स्पोर्ट्स एंड वट एवर फिजिकल एक्टिविटी वी आर डूइंग। मतलब उसी को तो बोलते हैं हम वार्म अप करो प्रॉपरली, दैट मीन्स अगर हमारी मसल ट्रेंड है तो इंजरी ना होंगी, अगर मसल अनट्रेंड है एंड सडनली हम कोई टास्क के लिए कूद गए या सडनली वी आर स्टार्टिंग एनी हैवी फिजिकल एक्टिविटी तो वहाँ पे इंजरी होने के चांसेज हैं ही हैं। सो ट्रेंड मसल्स में ना केवल इंजरी होने के चांसेज आर लेस, मोर ओवर लाइक द इंजरी जो रिकवरी टाइम है वो कम होता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी इम्प्रूव। इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी, देखिए आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है? इट्स लाइक एनर्जी स्टोर हाउस, है ना? एटीपी और एडीपी आपने सुना होगा, है ना? एटीपी एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, लाइक एनर्जी देने के बाद एटीपी चेंज हो जाता है एडीपी में, एडेनोसाइन डाईफॉस्फेट, और एडीपी जब एनर्जी ले लेता है तो अगेन इट्स चेंजेस इनटू एटीपी। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली इसको हम एनर्जी हाउस कहते हैं। मैंने अपने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि जब हम अनएरोबिक एक्टिविटी करते हैं तो जनरली बोलते हैं ना द एक्टिविटी विच इज़ डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे हम मसल्स का ज़्यादा यूज करते हैं। सो जो तो वेयर द मसल्स आर गेटिंग एनर्जी, मसल्स आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज एक कम टाइम में जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, सो बॉडी डजेंट कॉप अप, 1 से 2 या 1.5 मिनट में बॉडी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बॉडी अपना सर्कुलेशन या सिस्टम इतना फास्ट कर दे या ब्रीथिंग सिस्टम की ऑक्सीजन उतनी मिल जाए। सो व्हाट द बॉडी व्हाट द मसल्स आर डूइंग,
they takes the energy from the mitochondria which is like reserve house, energy ka bolte hai na emergency quota uske paas rehta hai. एंड दैट इज़ द रीजन जब हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं अनएरोबिक तो काफ़ी देर तक हम तेज गति से सांस लेते रहते हैं. दैट मीन्स माइट्रोकॉन्ड्रिया इज अगेन रिजर्विंग इट्स इमरजेंसी एनर्जी. सो यहाँ पे जो पॉइंट बोल रहा है कि इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी इम्प्रूव. सो हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो हेल्थी होता है या उसकी जो कैपेसिटी है एनर्जी स्टोर करने की वो उसमें इंक्रीज होता है और उसमें इंक्रीज होगा तो हम अनएरोबिक एक्टिविटी को और बेटर ढंग से कर पाएंगे. यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है. नेक्स्ट फास्टर रेस्पॉन्सेस. देखिए फास्टर रेस्पॉन्सेस का बड़ा रोल है अपने फिजिकल साइड से कि जब भी हम गेम खेलते हैं तो हमारे रेस्पॉन्सेस फास्ट हों. ऐसा नहीं कि हमारे पार्टनर ने हमको बोल दिया एंड देन वी टेक सम मिनट्स जस्ट टू रिसीव दैट बॉल. मीन टाइम द अदर प्लेयर विल जस्ट स्नैच द बॉल ओके एंड वो स्कोर कर देगा. सेम वे इन फुटबॉल ऑल्सो आवर पार्टनर इज जस्ट पासिंग द बॉल टू अस एंड वी हैव टू रेस्पॉन्ड फास्टर and we have to kick the ball whatever or we have to receive the ball. If our responses are not faster then we cannot become a good sports person, hai na. That is the part of like what we can say. Dekhiye sports need all the physical fitness component. Agility ki bhi zarurat hai, speed strength ki bhi zarurat hai, flexibility ki bhi zarurat hai. So responses ke liye basically jo stimulation hai that should be fast. कि भाई कोई भी चीज़ को हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उन्होंने सेंस किया, दे पास द सिग्नल टू द ब्रेन. अभी ब्रेन ने रिएक्ट किया, ब्रेन हैज अगेन सेंड द मैसेजेस थ्रू द मोटर न्यूरॉन टू द मसल्स. सो दिस होल प्रोसेस टेक्स लाइक विद इन नो टाइम. ठीक है. सो इफ द रेस्पॉन्सेस आर नॉट स्टिमुलेशंस आर नॉट वेल देन वी कैन नॉट बिकम ए good athlete. So here if we are doing the regular exercises what will happen? Faster responses. Okay. Next, efficient use of diet. Dekhiye diet definitely it's our fuel. Diet the food which we eat is known as diet. But main hamesha baat karta hu balanced diet ki. That means वो फूड दैट हैव द राइट प्रोपोर्शन ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इन अदर वर्ड्स आई कैन से जिसमें फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स विटामिंस मिनरल्स रफेज एंड वाटर ये सब एक राइट अमाउंट में हो उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट. अब क्या है कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज और इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी या हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी है कि क्लरिकल जॉब है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर सिटिंग ऑन द चेयर और जस्ट लाइंग ऑन द बेड. कुल मिला के वॉट वी कैन से कि ज़्यादा फिजिकल रोल नहीं है हमारा अपनी डे टू डे लाइफ स्टाइल में. तो देन वॉट विल हैपन एज द टाइम पासस मसल्स बिकम्स वीकर. ठीक है. डाइट वी आर टेकिंग ओके वी आर टेकिंग प्रॉपर डाइट बट स्टिल the body doesn't have that much of like potential to digest that diet properly. Yeah, us diet se whatever the like what we can say jo proteins fat whatever the body is receiving that body is not like utilizing all carbohydrates proteins fat minerals vitamins from the diets. Okay, that all will go in waste. So if we are doing a regular physical activity then the like the body is having the capacity to use the diet in the proper way. कई बार हम लगते हैं कि भाई किसी किसी को कुछ खिलाते जाओ लग नहीं रहा या बहुत ज़्यादा लोग मोटे भी हो जाते हैं. तो इफ़ वी आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज जो डाइट का प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन बॉडी करती है. नेक्स्ट बेटर न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ये जो पॉइंट है ये भी पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि
responses. Faster responses से connected है ये muscular coordination. So देखिए neuromuscular coordination से ही सारी चीज़ें होती हैं. Muscles are getting messages from the brain, है ना, and brain is sending the messages via the neuromotor neurons. So that what we call the neuromuscular coordination. या मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई ठीक है हमने हमारे ब्रेन ने हमें बोला कि यस हमें ये किक मारना है बॉल को कि बॉल शुड गो इन द इनसाइड द गोल पोस्ट. सो दैट द ऑर्डर वी रिसीव फ्रॉम आवर दिस थिंग ब्रेन कि राइट लेग से हमें किक मारनी है और बॉल को हमें गोल पोस्ट में मारना है. सो हमने किक तो किया बट बॉल रादर टू गो इनसाइड द गोल पोस्ट इट वेंट आउटसाइड द गोल पोस्ट. दैट मीन्स हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रैक्टिस की कमी है. व्हाट द प्रैक्टिस, व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिस, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी आर स्ट्रेंथिंग और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की भाई जो हमारा ब्रेन बोले व्हाट एवर वी हैव डिसाइडेड वो हम ठीक तरह से करें. हमने बास्केटबॉल में स्कोर करने के लिए अगर बॉल फेंका तो दैट शुड गो इनसाइड द बास्केट, है ना, ऐसा नहीं कि वो इधर उधर जा रहा है. इधर उधर जा रहा है तो दैट मीन्स वी आर नॉट गुड इनफ इन अवर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. सो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का हमारा फिजिकल जो पार्ट है उसमें इतना सा ही मतलब है कि वट एवर वी वॉन्ट टू डू वट एवर वी हैव डिसाइडेड लाइक जस्ट टू किकिंग द बॉल कि बॉल को वहाँ किक करके वहाँ पहुँचाना है या उसको पास देना है या इतनी डिस्टेंस तक हमें वो चीज़ थ्रो करनी है, ये सारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का पार्ट है. ठीक है, किया मुझे अपना आर्म्स का ये मूवमेंट देना है, मेरा आर्म्स वहाँ तक पहुँचना चाहिए. सो इफ यू हैव द गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली वी कैन परफॉर्म वेरी वेल. सो ये मतलब है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का. नेक्स्ट, इंक्रीज इन मसल मास. जो लास्ट पॉइंट है इंक्रीज एज इन मसल मास. देखिए रेगुलर एक्सरसाइजेस इंक्रीज द मसल मास. हाउ, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो मायोग्लोबिन है, सो इफ यू आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज जो मायोग्लोबिन कंटेंट है विच इज इन मसल दैट इंक्रीजेस. अब मायोग्लोबिन कंटेंट क्या है, बेसिकली मायोग्लोबिन इज आल्सो ए पिगमेंट जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन. इनफैक्ट मायोग्लोबिन जो का जो निर्माण होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है. ठीक है, वो व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मुक्त करता है, रिलीज करता है, वेयर एज द मायोग्लोबिन लाइक इट टेक्स द ऑक्सीजन. सो यही एक जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन. सो मायोग्लोबिन जो कंटेंट है विच इज इंक्रीजेज इन द मसल्स इफ वी आर डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइज, इफ द मायोग्लोबिन कंटेंट इज इंक्रीजिंग डेफिनेटली द मसल्स मास इज इंक्रीजिंग. सो ये भी एक कारण है कि जो यूथ है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यूथ थोड़े से यूथ को अट्रैक्ट करता है. जब हमारी मसल्स मास बढ़ती हैं तो हमारा शेप अच्छा होता है, हमें अच्छा लगता है एंड फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए. तो आजकल जितने भी यूथ हैं वो अपनी मसल्स को गेन करने के लिए, अपनी आर्म्स को बढ़ाने के लिए, अपनी चेस्ट मसल्स को गेन करने के लिए, शोल्डर मसल्स को गेन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो जिम वगैरह में काफ़ी जाते हैं. तो अच्छी बात है कहीं ना कहीं, सो दैट कि उनका अपीयरेंस, उनका लुक अच्छा लगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर मस्कुलर सिस्टम. सो बहुत काफ़ी बेसिक इफेक्ट हमने आज डिस्कस किए, काफ़ी गुड इफेक्ट है कि भाई मसल्स का साइज बढ़ता है, मसल्स में जो कैपिलरीज हैं वो बढ़ता है, जो न्यूरोमस्कुलर जो, चलो एक बार हम इसको वापस से समराइज कर लेते हैं. सो पहला है गेन इन मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ में गेन होता है. इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट, मसल्स की जो इफिशियंसी वो इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की संख्या बढ़ती है. ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीजेस, जो लैक्टिक जो एसिड है उसका जो टॉलरेंस पावर है मसल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, तो जल्दी से टायर्डनेस और फटीग नहीं होता है. नेक्स्ट है प्रॉपर सेफ ऑफ बॉडी को, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को एक प्रॉपर सेफ मिलता है जो
अननेसेसरी का फैट है वो बॉडी से धीरे धीरे चला जाता है, हम अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट है फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी, जो ट्रेन मसल हैं वो कंपेयरिंग टू द नॉर्मल मसल से क्विक जल्दी इंजरी से रिकवर होती है, साथ ही साथ इंजरी होने के चांसेस भी ट्रेन मसल्स में कम होते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी इंप्रूव इफ वी आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, है जो हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो स्ट्रेंथन होता है, दैट मीन्स उसकी में जो इमरजेंसी स्टोर की कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती है, सो दैट इज गुड इन एनएरोबिक एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है फास्टर रेस्पॉन्स, जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारे जो रेस्पॉन्स हैं वो फास्टर हो जाते हैं, हम अलर्ट फील करते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है इफिशियंट यूज ऑफ डाइट, मैंने कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज हम करेंगे तो वट एवर द डाइट और बैलेंस डाइट वी आर ईटिंग दैट विल बी यूज्ड बाय द मसल्स इन इफिशियंट वे एंड इन इफेक्टिवली, है ना, इट वॉन्ट द डाइट वॉन्ट गो इन वेस्ट लाइक, सो द डाइजेशन विल बी प्रॉपर। जो नेक्स्ट है बेटर न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यस ऑफ कोर्स रेगुलर एक्सरसाइजेज इंक्रीजेस द न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड इफ वी हैव द गुड न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली दैट इज द फर्स्ट नीड ऑफ ए एथलीट्स और ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गेम्स नीड द नाइस न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। एंड फाइनली इंक्रीजेस इन मसल्स मास, डेफिनेटली रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारी मसल्स मास को इंक्रीज करती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि जो ग्लोबिन कंटेंट है मसल्स में वो इंक्रीज होता है, जब मायोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीजेस होता है तो मसल्स मास भी इंक्रीज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आया होगा ये टॉपिक, फिर भी अगर आपको कोई डाउट और क्वारी है तो प्लीज़ फील फ्री टू कम्युनिकेट विद मी थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो गो थ्रू दिस वीडियो वेरी केयरफुली, लर्न द थिंग्स, कीप अ पेन इन योर हैंड, ऑल्सो कीप अ नोटबुक with you so that you can note down the important points. Again I am telling you, please do not waste your time kabhi rukta nahi hai, and utilize the time efficient way, sath hi sath achhi diet le, achhi neend le, aur definitely kuch minute nikale ek din mein apni physical fitness ke liye. So that's all in today's class, see you in the next class, have a great day, bye bye.